हेलो दोस्तों, मैं उर्मिला सलून के विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से बाल राम कथा से लेसन नंबर सेकेंड, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। नाम क्या है? जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, कौन? राम और लक्ष्मण। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे चलते रहे। देखो, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। सरयू क्या है? नदी का नाम है। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। दृष्टि से ओझल होना, दिखाई न देना। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नज़र सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमे पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई भी चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। आसमान यानी आकाश, दृष्टि मतलब उन्होंने देखा चिड़ियों के झुंड। बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। बसेरा मतलब ठिकाना, रहने का स्थान, और मटमैला मिट्टी के रंग जैसा। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे पशु चराने वाले। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। गायों के पैरों से जो धूल उठती है ना, उसे क्या कहते हैं? गोधूली। और गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के हाव भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। देखो, वशिष्ठ जी ने कहा था ना कि अगर आप दशरथ महाराज से कहा था कि अगर आप उनको भेजेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो वो विद्या भी सिखाएंगे। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। प्रहार यानी चोट, तुम्हें कोई नुकसान नहीं कर सकता है। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो, उस समय भी नहीं कि जब तुम नींद में भी रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। देखो, विद्याओं का नाम क्या था? बला अति बला। रात में वे लोग वही सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। उन्होंने बिस्तर किसका बनाया? तिनके और पत्ते। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई,
यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी, उसे क्या कहते हैं, संगम। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। स्थानीय मतलब क्या होता है, लोकल, स्थान से संबंधित। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा, उचित मतलब सही नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। दुर्गम मतलब क्या, जहाँ जाना कठिन हो। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँचती थी, इतना घना। वह डरावना भी था, हर ओर से झुंगुरों की आवाज़। मतलब किसकी, कीड़ों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। कर्कश मतलब क्या, कठोर। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, आश्वस्त करना भरोसा दिलाना, आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रतंचा चढ़ाई। प्रतंचा मतलब क्या, धनुष की डोरी, और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, क्रोधित करना जोश दिलाने के लिए। टकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क हो गया, और भड़क उठा, बहुत गुस्सा आया। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे। विशालकाय मतलब बहुत बड़े बड़े, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, धूल का क्या हो गया, बहुत गहरी मात्रा में धूल उठने लगी। उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए, राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई, राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी फिर नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अस्त्र ऐसा हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता है, और शस्त्र किसे कहते हैं,
हाथ में लेकर उपयोग किया जाने वाला हथियार यानी कि तलवार, और उन्होंने उनका प्रयोग करने की विधि बताई। विधि मतलब क्या? तरीका। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वही बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। भयमुक्त मतलब क्या? भय से रहित था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें भी क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। गायब होना, लुप्त होना, छिपना। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी, सरसराहट हवा के चलने की आवाज़। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, अंतिम मतलब आखिरी, पड़ाव मतलब आखिरी जगह था महर्षि का आश्रम। सिद्धाश्रम के अंतिम जगह पर महर्षि का आश्रम था, जिसका नाम था सिद्धाश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, मनोहारी मन को अच्छा लगने वाला। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्द ही आश्रम पहुँच गए। प्राकृतिक मतलब निसर्ग, और उसका सौंदर्य का आनंद लेते लेते ये तीनों क्या हो गए? जल्दी ही आश्रम पहुँच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। अभिनंदन करना, स्वागत करना। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी, दुगनी मतलब ज़्यादा हो गई थी, दोगुनी हो गई थी। विश्वामित्र के आश्रम में लौटने की खुशी, और महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी। राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, आगमन मतलब आना। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान मतलब धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप कर महर्षि आश्वस्त थे। आश्वस्त मतलब क्या थे? अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। पांच दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, निर्विघ्न बिना किसी बाधा के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगाया दिया है। उपस्थिति मतलब उनका वहाँ पर होना यानी प्रेजेंट होना। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक सोने का निर्णय किया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। चौकस मतलब सावधान, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, तुनीर मतलब क्या? तरकाश, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, प्रत्यंचा मतलब वो डोरी, धनुष के लिए डोरी। हर स्थिति के लिए वो तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अनुष्ठान का क्या था? अंतिम दिन। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोला। धावा बोलना, हल्ला करना। मारीच क्रोधित था यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। देखा, ये सुबाहु और मारीच, मारीच तो बहुत क्रोधित था,
वह इसके लिए कि यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है और तो और उसकी माँ को इन्हीं राम लक्ष्मण ने मारा था, जिसका नाम था ताड़का। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, मूर्छित है ना, बेहोश होना। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं, जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वही निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। भगदड़ मतलब डर से इधर उधर भागना। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों के शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को क्या किया? गले लगाया। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। महाराज के पास एक अद्भुत शिवधनुष है, तुम भी उसे देखो। और इस प्रकार से मुनि ने क्या किया, उनको उनके साथ में जाने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे, नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया, तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराजा दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। जब राम और लक्ष्मण के बारे में पूछा, तब उनके बारे में मुनिवर ने कहा कि ये महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और मैं आपके पास उनको इसलिए लाया हूँ आपका धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, अनुचर मतलब कौन, नौकर चाकर, आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिवधनुष सचमुच विशाल था, मतलब बहुत बड़ा था, लोहे की पेटी में रखा था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था, असंभव इम्पॉसिबल। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर
उस पर प्रतंजा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। देखो वहाँ जब वो वहाँ पर पहुँचे तब उन्होंने कहा कि यह जो धनुष है वह मैंने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए रखा हुआ है, और जो इसको उठा इसके इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ वो सीता का विवाह हो गया। अनेक राजकुमारों ने प्रयत्न किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक न सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। वत्स मतलब क्या, किसको कहते हैं वत्स? बेटा, उठो बेटा, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आज्ञा यानी क्या, क्या कहते हैं आज्ञा, मतलब उनकी बात मानी, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोला। राम ने पहले धनुष देखा फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में भी उपस्थित सभी लोग हतप्रभ हैरान आश्चर्यचकित। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। प्रत्यंचा चढ़ाना मतलब क्या, धनुष को क्या करना है, उठाकर उसके ऊपर डोरी बांधना है। विदेहराज चकित थे। विदेहराज क्या थे? चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े हुए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छाया। सन्नाटा यानी शांति, चुप्पी। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। सभागार, जहाँ पर सभा की जाती है, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? सभागार। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था, वह इसलिए उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति, अनुमति मतलब क्या, इजाजत, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का आमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। चरम मतलब अंतिम। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। खुशी छाना मतलब खुशी होना। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार मतलब क्या, स्वागत द्वार। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। सुवासित मतलब क्या, सुगंधित। हर घर के प्रवेश द्वार पर
वंदनवार। वंदनवार किसे कहते हैं? फूल पत्तों की बनी झालर जो खुशी के अवसरों पर घर के दरवाजों पर बंधी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? वंदनवार। एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, अपार मतलब बहुत भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। तत्काल मतलब तुरंत। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्रवधुओं की आरती उतारी। पुत्रवधु मतलब पुत्र की पत्नी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। शंख ध्वनि मतलब शंख की आवाज़। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा।